नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। गाजियाबाद के दुदेश्वर नाथ मंदिर में हम पहुंचे हैं, खास मौका है तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी तादाद में श्रद्धालु यहां पर मौजूद हैं, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन इन सबके बीच में मैं चाहूंगी कि मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं कि प्रसाद की व्यवस्था किस तरीके से की गई है। ये आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं, हलवाई बैठाए हुए हैं और जो पूरी व्यवस्था है ये सिर्फ और सिर्फ भक्तों के लिए की गई है, खासकर उन भक्तों के लिए जिनका आज उपवास है। क्योंकि आप सब जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन उपवास का एक अलग ही महत्व होता है और ये महत्व जुड़ा है भगवान शिव को और माँ पार्वती को प्रसन्न करने से। दरअसल कहा जाता है कि अगर आज के दिन उपवास रखते हैं तो न सिर्फ भगवान शिव की आराधना पूरी होती है बल्कि माँ पार्वती भी प्रसन्न हो जाती हैं। तो ये किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, कैसे व्यवस्था हो रही है पूरी, इसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका नाम? मेरा नाम सतीश चंद गुप्ता है। मैं चाहूंगी कि आप ये पूरी व्यवस्था, सर के पास मैं आ रही हूँ, पहले आप मुझे बता दीजिए जो पूरी व्यवस्था है प्रसाद की ये किस तरीके से हो रही है। और ये जो मैं देख रही हूँ कुट्टू की पकौड़ियाँ हैं, आलू की पकौड़ियाँ हैं और शायद खीर है, ये पूरा इंतजाम भक्तों के लिए थोड़ा बता दीजिए। ये भक्तों के लिए इंतजाम किया जाता है, ये हमारी धर्मार्थ सेवा समिति की तरफ से ही सब व्यवस्था की जाती है और हमारे प्रधान जी बैठे हुए हैं और बाकी सब ये बतला देंगे आपको पूरी। आप थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए, उनके पास मैं जा रही हूं। आप बताइए। उन्हीं के पास चले जाते हैं, थोड़ा सा वो कह रहे हैं। तो सर ये जो पूरी व्यवस्था है आप श्रद्धालुओं के बीच किस तरीके से इसका वितरण होता है, हर साल अगर आप इस तरीके को ऑर्गेनाइज करते हैं सारी चीजें तो कैसे मैनेज करते हैं? 35 साल हमारे को हो गए मैडम, 35 साल। अच्छा 35 साल। हाँ, ये 35वां जो है प्रसाद का वो है शिवरात्रि पे और सावन वाली पे लगता है हमारा कैंप दाल मिल पर। अच्छा। उसको 35 साल हो गई। जितना टाइम नारायणगिरी महाराज को हुआ यहाँ पे आए हुए उतना ही टाइम हमारे को यहाँ प्रसाद का वितरण करते हुए हो गया। अच्छा। तो ये पकौड़ियाँ स्पेशली उनके लिए है जिनका फास्ट है? जिनका फास्ट है, जो आदमी खाना चाहते हैं वो प्रसाद के रूप में खाते हैं। जाएगा कि इसके लिए भी लाइन लगेगी या टोकन कुछ ऐसा? ये लाइन लगी हुई है, वहाँ से प्रसाद बढ़ रहा है। अच्छा। लाइन से प्रसाद, खीर और कूटू की पकौड़ी दो चीज चलती है। तो जैसा कि इन्होंने भी समझाया कि वहाँ से रुद्राभिषेक करने के बाद भक्त बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से वो प्रसाद का प्रसाद को ग्रहण करके निकल रहे हैं। मखाने की खीर है और इसके अलावा जो कुट्टू की पकौड़ियाँ हैं ये यहाँ पर विशेष तौर पर बनाई गई हैं और इसका सीधा सीधा ताल्लुकात है यहाँ के भक्तों से। जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि उपवास का एक अलग महत्व होता है और उसी उपवास को बनाए रखने के लिए, श्रद्धालुओं की आस्था बनाए रखने के लिए, उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए, सम्मान करते हुए इस तरीके का जो प्रसाद वितरण है ये हो रहा है। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मैं नम्रता शर्मा, गाजियाबाद।